आखिरकार पहली बार चाइना ने ब्रह्मोस पर बोला है और वो भी आधिकारिक तौर पर। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ टिकटॉक को एक बड़ा झटका मिला यूएस में। या तो कंपनी को बेच दो या फिर हम लगाएंगे बैन। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इंडिया के बाद अब अमेरिका ने भी कुछ इसी तरीके का फैसला लिया है। अभी हाल ही में $95 बिलियन के एक पैकेज के साथ साथ एक और बिल को अमेरिकी कांग्रेस ने पास किया है। और अजीब बात यह है कि इसमें जो सपोर्ट मिला है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला है। ज्यादातर सांसदों ने इस बात के लिए हामी भरी है कि हाँ जी ऐसा ही होना चाहिए। दरअसल अमेरिका के संसद में ये तय किया गया है कि या तो टिकटॉक अपनी कंपनी को बेच दे या फिर हम उन्हें बैन करने वाले हैं अपने देश में। वैसे आपको बता दें, टिकटॉक ने करीब $14.7 बिलियन का रेवेन्यू लाया है कई सेक्टर्स में यूएस इकोनॉमी में, और 24.2 बिलियन ओवरऑल जोड़ा भी है। लेकिन अमेरिका इसे बैन करना चाहता है। कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा संभावना है कि अमेरिका इसे बैन ही कर दे, क्योंकि बेचे जाने की संभावना बहुत कम है। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है वो है ByteDance, और ByteDance संभवतः ऐसा फिलहाल करने वाली नहीं है। वैसे तो ByteDance ने ये कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, ऐसा होना ठीक नहीं है। यहाँ पर सीनेटर्स का कहना है कि बरसों तक हमने चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी को ट्रोल करने दिया, अमेरिका में चलने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध एप्लीकेशन को, और ये काफी खतरनाक था। और यहाँ पर जो वोटिंग हुई वो वोटिंग काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है। कहा गया कि 4 साल की टिकटॉक ने लड़ाई लड़ी और इसके 170 मिलियन लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, और अब जाकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बंद होने के कगार पर है। वैसे अमेरिका में इसका बंद होना इतना आसान नहीं होने वाला है। और सबसे कमाल की बात है, 79 वोट इसके बंद करने के सपोर्ट पर पड़े तो वहीं 18 वोट इसके विरोध में पड़े हैं, जो एक बहुत ही बड़ा मार्जिन को दिखला भी रहा है। एक बार इस बिल पर अब साइन हो जाता है जो बाइडेन करेंगे, तो फिर 270 दिन के अंदर ही टिकटॉक को अपने सारे यूएस ऑपरेशंस को बंद करना होगा। वैसे इन्हें ऑफर दिया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द चाहें तो अपने इस कंपनी को ही बेच सकते हैं। वैसे अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या फैसला लेती है टिकटॉक की कंपनी। टिकटॉक वैसे तो काफी बड़ी कंपनी बन चुकी है, और ऐसे में सवाल ये है कि क्या टिकटॉक के जरिए सचमुच में कंट्रोल करने की कोशिश होती है। टिकटॉक एक वक्त दुनिया का सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप हुआ करता था, भारत उसका सबसे बड़ा मार्केट था। लेकिन कहते हैं ना, होशियारी ज्यादा देर तक नहीं चलती है। ऐसा ही कुछ टिकटॉक के साथ हुआ। टिकटॉक को भारत ने सबसे पहले बैन किया था, वो भी बैन उस वक्त लगाया था जब टिकटॉक अपने चरम पर था। ऐसा आरोप था कि चीन टिकटॉक के जरिए भारत में दखल दे रहा था, जिससे भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच रहा था। उस वक्त भारत के फैसले को कई देशों में तानाशाही से जोड़कर बताया गया था, पर अब भारत की बात सच साबित हो रही है। यूरोपीय और अमेरिकी जैसे देश आज भारत के फैसले को सही ठहराते हुए अपने देश में टिकटॉक को बैन कर रहे हैं। वहीं जिस चीन ने कहा था कि भारत में टिकटॉक को बैन होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, उस चीन की अक्ल ठिकाने आ रही है, जब भारत के शुरू किए गए खेल के पीछे दुनिया चल निकली है। इसका असर ये है कि जहां इटली के रेगुलेटर ने टिकटॉक पर $11 मिलियन का फाइन लगाया, तो इटली के एंट्री ट्रस्ट रेगुलेटर का कहना है कि टिकटॉक बच्चों के लिए खतरनाक और आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से टिकटॉक पर बैन लगना चाहिए। वहीं अमेरिका भी टिकटॉक पर अब ये फाइनली इस बिल को पास कर चुका है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि अमेरिका में क्या होता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आखिरकार ब्रह्मोस को लेकर पहली बार ग्लोबल टाइम्स ने अपना एक लंबा चौड़ा लेख छापा है। वैसे तो ग्लोबल टाइम्स जो कुछ भी करता है या जो कुछ भी छापता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके सरकार की मंशा होती है, जो अस्पष्ट निकल कर आती है। अब इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि एक तरफ भारत और वियतनाम
अपने डिफेंस पार्टनरशिप को काफी मजबूत कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा संभावना है कि अब वियतनाम भारत से नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स वेसल्स को खरीदे जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। दरअसल ये पूरी तरीके से नए मॉडर्न तरीके से बनाया गया एक ऐसा वेसल्स है जो आसानी से ब्रह्मोस मिसाइलों से भी लैस हो सकता है। स्टिल्टी है और लो रडार क्रॉस सेक्शन है जिसकी वजह से रडार की पकड़ में भी ये बहुत जल्दी नहीं आता है। कहा जा रहा है कि इस वेसल्स को लेने के लिए भी वियतनाम इंटरेस्ट दिखा रहा है क्योंकि दक्षिण चीन सागर में अब जो भी चाइना के विरोधी हैं वो अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत ने पहली खेप ब्रह्मोस की भेज दी है और हमने आपको बताया था कि ब्रह्मोस के पहुंचते ही मिठाइयां वगैरह बंटने लगी थी, जिसके बाद आखिरकार एक आर्टिकल छपा है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि फिलीपींस ने हाल ही में एक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है जो यूएस के अलाय ने दिया है, यानी कि अमेरिका के सहयोगी ने। अब अमेरिका का कौन सा सहयोगी है, ये भारत को अब यूएस का अलाय कहते हैं। वहीं इन्होंने कहा कि जापान में भी 30 मिलिट्री के लोग आ रहे हैं जो जापान को और जापान की नेवी को ट्रेनिंग देंगे। यूएस नेवी के ये लोग हैं, टॉमहॉक मिसाइल को किस तरीके से ऑपरेट करना है ये सिखलाएंगे और जापानीज गवर्नमेंट प्लान कर रही है टॉमहॉक मिसाइल अमेरिका से खरीदने। इसी बीच इन्होंने कहा है कि इनका कोई चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट है झेंग जुन से, जिन्होंने कहा है कि देखिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के नाम पर और चाइना को एक खतरा बताकर अमेरिका ने कई सारी चीजों को तय करना शुरू कर दिया है। टोक्यो हो या मनीला हो, ये अब अपने पैसे नए मिसाइल्स पे लगा रहे हैं, अपने कैलकुलेशन के आधार पर लगा रहे हैं। जैसे कि ये ब्रह्मोस खरीद रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये अब अमेरिका के कहे अनुसार चल रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी फ्लाइट रेंज है 290 किलोमीटर, एक सुपरसोनिक स्पीड है और ये जमीन, जहाज और फाइटर एयरक्राफ्ट तीनों से लॉन्च की जा सकती है और इसकी जो क्षमता है वो नैनसा आइलैंड, जिसे रेनाई जियो आइलैंड भी कहते हैं, मै जियो और हुंग्याओ डाओ ये आइलैंड पर ये निशाना साध सकते हैं। वहीं इन्होंने कहा कि जापान टॉमहॉक मिसाइल खरीद रहा है और ये 1600 किलोमीटर तक वार कर सकता है। हम किसी से युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन इस तरीके की उकसावे की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जहां तक बात ब्रह्मोस की है तो ब्रह्मोस को लेकर हमारे एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि चाइना जैसे बड़े देश जब युद्ध के लिए उतरते हैं तो इनके पास बहुत सारे हथियार हैं। इन हथियारों के सामने ब्रह्मोस या टॉमहॉक मिसाइल किसी काम के नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।